हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में ठीक हो। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ बताइए हमारा रीयूनियन कब होगा कब होगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। मेरी ब्लेसिंग्स है, देखिए कि आप सबका रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। चलिए तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं कि आपका रीयूनियन होगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का रीयूनियन होगा। ओके, एक कार्ड आ गया, एक हमें और चाहिए, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ कि आपका दोनों का रीयूनियन होगा। देखिए जो भी आंसर आए प्लीज पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना। ओके, देखिए अपने आप ही आ गया कार निकल के। देखिए मुझे जो क्लियरली दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत है। नई शुरुआत भी करना चाहते हैं और जाने अनजाने आपको बहुत याद करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक दो रीज़न लग रहे हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे। फर्स्ट तो मेरे को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी जानबूझ के बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको किसी और चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो आपके साथ रीयूनियन नहीं कर पा रहे, ठीक है। रीज़न अब कोई भी हो सकता है, हो सकता है वो मैरिड है, हो सकता है उनके घर वाले नहीं मान रहे, हो सकता है मतलब आप दोनों में कोई ऐसी मतलब अनबन हुई है, मतलब कुछ ना कुछ तो देखिए कोई ना कोई तो रीज़न है जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे। जो मेरे को सिनेरियो दिख रहा है मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिसिंग की एनर्जी देखूं तो देखिए मिस तो आपको बहुत करते हैं, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे को रीज़न है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। इस एनर्जी से एक तो मेरे को जो मैंने फर्स्ट अभी बोला है वो मेरे को दिख रहा है। दूसरा मेरे को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए पहले फाइट करेंगे, अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद आपके साथ रीयूनियन करेंगे। एक रीज़न मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। मेरे को दो रीज़न दिख रहे हैं, एक तो आपके लिए लड़ रहे हैं और दूसरा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि अगर आपकी तरफ वो बढ़े तो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब हो सकता है, या उनके घर वाले या कोई भी आपको हार्म कर सकता है। ये मेरे को रीज़न दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रीयूनियन का बोलूं तो देखिए इसके बाद तो ये है, इसका मतलब है कि अभी आपके लिए फाइट कर रहे हो, इसका मतलब है यस आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप ही अपने पार्टनर को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा। आप बस यही चाहते हो कि कुछ भी हो जाए आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापिस आ जाए। मेरे व्यूवर जो भी है, लड़का लड़की जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये सेम जेंडर वालों के लिए भी है और लड़का लड़की दोनों ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको वो हर चीज़ याद आ रही है जो आप लोगों ने साथ में टाइम बिताया था, स्पेंड किया था, आप कहीं घूमे थे, कुछ भी जो भी आप लोगों ने एक यादों के रूम में एक पोटली बना के रखी है ना, जो भी देखिए बहुत दो इंसानों के बीच में बॉन्ड बहुत ऐसा क्रिएट हो जाता है, हमारे बीच में यादें बहुत बन जाती हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, और यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते तो फिर आप गलत सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करते हैं। लेकिन रीजन मैंने बता दिए कि यहाँ तो उनकी खुद की लाइफ में ही बड़ा मतलब झगड़ा वगड़ा बहुत कुछ मतलब कलह क्लेश चल रहा है, ठीक है। उनकी खुद की लाइफ की ही बैंड बजी पड़ी है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है। फर्स्ट तो ये दिख रहा है, सेकंड उनका वर्क भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा मेरे को ये रीज़न लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ हार्म कर सकता है कोई, जिनकी वजह से वो आपके साथ रीयूनियन नहीं कर रहे। क्योंकि फिलहाल तो मेरे को यही दो कारण दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारा सवाल था कि रीयूनियन होगा तो यस होगा, जरूर होगा, ठीक है। फिर भी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। मैंने आपको बोला था ना कि अगर क्लैरिफाई की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन हमारा सवाल था होगा होगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने बोला था ना कि उनके घर का कोई रीजन है जिनकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड ही निकला है। कोई घर का रीजन है, बड़े बुजुर्ग हैं जिनके कहे से वो बाहर नहीं जा सकते, जिनकी वजह से आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है।
आपको सब्र रखने की जरूरत है। आपका रीयूनियन तो होगा, ठीक है ना, चाहे एक दिन लगे 10 दिन लगे। मेरे को देखिए कार्ड्स में जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो कार्ड्स में मेरे को दिखेगा मैं वही बताऊंगी, ठीक है ना। नहीं, एंजल्स कार्ड नहीं दे रहे, मतलब रीजन यही है, मेरे को यही फिलहाल रीजन तो यही दिख रहा है कि उनकी घर का ही प्रॉब्लम है, हो सकता है उनका वर्क में प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई मतलब इस रिश्ते को मतलब आपके कमिटमेंट को या कुछ भी जो आप लोगों की बॉन्ड है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ तो फैमिली रीजन है, ठीक है। और मैंने ये कार्ड अभी निकला नहीं था, ये कार्ड जब निकला था तो मैंने आपको पहले ही 2 सिनेरियो बता दिए थे, ठीक है। मैंने एक आपको बताया था कि अपनी फैमिली की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, दूसरा मैंने बोला था कि आपको प्रोटेक्ट करें, और मैंने जो फैमिली का बोला था देखिए वही निकल आया है, ठीक है, क्योंकि कार्ड भी सेम निकल आया, क्योंकि वो अपनी फैमिली की वजह से मतलब वो नहीं चाहते कि आपको कोई उनकी फैमिली की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो और उन आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से उनकी फैमिली को कुछ हो, ठीक है, जिनकी वजह से वो आपसे थोड़ी दूरी बना रहे। लेकिन अगर प्यार की बात करूं तो प्यार की कोई कमी नहीं है, ना आप में ना आपके पार्टनर में, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं कि हमको ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके लिए हमारा दिल नहीं मानता, लेकिन हमारी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ऐसा ही मतलब रीजन है, आप लोगों को पता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ फटाफट जाइए और मेरे चैनल नैना एस टैरोट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, बाय बाय।